हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं और मेरी फ्रेंड आए हैं थोड़े से बाहर कुछ काम से। तो उधर आते आते नर्सरी मिल के पास में, तो नर्सरी में हम लोग आ गए दो एक फूल के पौधे लेने के लिए। आइए देखिए फूल वगैरह कितने अच्छे अच्छे फूल हैं यहाँ पे, ये देखिए एक साथ कितने अच्छे दिख रहे हैं। घर में फूल के पौधे वगैरह लगाने से देखने में बहुत सुंदर लगती है, घर की जो खूबसूरती है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। फ्लावर गार्डन लगाना जरूरी है क्योंकि घर को अच्छा दिखना है। तो आप लोग भी जरूर फूल के पौधे लगाइए, घर के सामने बहुत अच्छे दिखते हैं। ये जो फूल अच्छे लग रहे थे मुझे, और ये भी बहुत तरह के फूल है। पहले भी हम लोग यहाँ से लेके आए थे कुछ, ये देखिए मेरी फ्रेंड भी देख रही है कौन से लेगी। ये देखिए ऊपर में देखिए फूल के वो जो टब वगैरह है टंगे हुए हैं, या ये लटकन टाइप हैंगिंग जो है फ्लावर टब। यहाँ पे हम लोगों ने दो एक फोटो भी खींचे, देखिए बैकग्राउंड कितनी अच्छी आ रही है, बैकग्राउंड की पिक्चर देखिए कितने। यहाँ पे फ्लावर के पौधे वगैरह ऐसे भी जो नॉर्मल है वो सब भी मतलब यहाँ पे सजा कर रखा हुआ है। यहाँ पे सभी तरीके के फूलों के पौधे भी हैं, फ्रूट्स के पौधे भी हैं, घर में सजाने के लिए जो सब पौधे वो सब भी है, जो सा ले सकते हो अपने पसंद से। ये देखिए यहाँ पे बहुत तरह के फूल कुछ मतलब खिली हुई है फूल, सैंपल के तौर से रखे हुए इन लोगों ने ताकि पता चले कैसे मतलब कैसी ये फूल है। ये देखिए छोटी सी एक फूल कितनी अच्छी लग रही है। लग रहे हैं ना क्यूटी क्यूटी एक फूल, देखिए पत्ते तो ज़्यादा है नहीं लेकिन फिर भी खिली हुई है छोटी सी एक फूल। ये देखिए चारों तरफ मैं आपको दिखा रही हूँ, घर में सजाने के लिए भी है, देखिए घर के सामने सजा रख सकते हो आप लोग। ये सब देखिए बहुत तरीके के पेड़ पौधे हैं, थोड़ी सी लंबी चौड़ी है नर्सरी। आप लोग अगर चाह तो यहाँ पे आ सकते हो। ये देखिए यहाँ पे भी रखे हुए, यहाँ पे खाली टब भी है फूलों के मतलब पौधे लगाने के लिए, यहाँ पे खरीद के लेके जा सकते हो आप लोग। यहाँ से भी आप लोग यहाँ पे खाली पौधे भी खरीद सकते हो या फिर पौधे वगैरह खरीद के यहाँ पे रेडी कर के मतलब एक घर में कोई कोई तो घर में ले जाते हैं पौधे को, ले जाकर रेडी करते हैं और मतलब खुद लगाते हैं। और लेकिन यहाँ पे आप लोग रेडी करके भी लेके जा सकते हो, यहाँ पे मिट्टी वगैरह डाल के रेडी करके। ये देखिए बोर्ड पे नाम वगैरह लिखा हुआ है, आप लोग चाहो तो यहाँ पे आ सकते हो, आके आप लोग लेके जा सकते हो यहाँ से। ये हाई रोड के पास ही है नर्सरी। मेरी गर्ल वगैरह भी है, देखिए मैंने ये फूल चूज किए हैं और मेरे फ्रेंड ने भी एक लिया है ये वाली, ये देखिए अच्छी लग रही थी बहुत मुझे, रेड रेड कलर की। अभी हम लोग यहाँ से फूल के पौधे वगैरह ले लिया, अभी हम निकलेंगे यहाँ से। अभी आते टाइम ये रेस्टोरेंट मिल गई तो फ्रेंड ने बोला कि थोड़ा सा कुछ खा के चलते हैं, तो यहाँ पे हम आ गए। ये आइए मोमो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी मोमो मिलती है। तो यहाँ पे आए हम लोग तो एक फ़ोटो भी खींचा, ये हमारे मेन्यू आ गई है, ये देखिए जो जो आपको पसंद है आप लोग ऑर्डर कर सकते हो, प्राइस वगैरह दिए हुए
देखिए, तो हम लोगों ने मोमोस ऑर्डर किए और साथ में नूडल्स भी। इसके बाद थोड़ी सी हम ऐसे ही बैठ गए क्योंकि गर्मा गर्म मोमो और नूडल्स के लिए थोड़ी सी वेट करनी पड़ेगी क्योंकि ये लोग गर्मा गर्म सर्व करते हैं बना के साथ में ही। उसके बाद हम लोग थोड़े से बैठ के फोटो वगैरह भी खींचे। क्रिसमस खत्म हो गया लेकिन क्रिसमस किटी अभी भी है, शरीर भी अंदर अच्छी लग रही थी। क्रिसमस खत्म हो गया, क्रिसमस ट्री अभी भी है एक्स्ट्रा। क्रिसमस स्पेशल दिन। दोपहर के टाइम थी तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हम लोग आए थे बाद में, कुछ लोग आए। ये देखिए क्रिसमस ट्री की पिक्चर अच्छी लग रही है। ये रास्ते के पास ही है, हाईरोड के पास ही है, ये भी जो रेस्टोरेंट है। ये देखिए बाहर गाड़ी चल रही है, दिखाई दे रही है रास्ते पे। ये देखिए हमारी ऑर्डर आ गई है, मोमोस एंड साथ में गर्मा गर्म सूप एंड गर्मा गर्म नूडल्स। ये देखिए कितना अच्छे से प्लेटिंग करके दी है इन्होंने। গরম গরম বহুত টেস্ট লাগে, বহুত জ্বালা নাই। ये देखिए जो सूप है, वेजिटेबल्स वगैरह भी बहुत अच्छे से डाली हुई है। गर्म गर्म सूप, ठंड के मौसम में गर्म गर्म सूप बहुत अच्छी लगती है। कैसा टेस्ट? उसके बाद हमने ये फिनिश किया। मोमोज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे गाइस। आप लोग कभी आओगे गुवाहाटी में यहाँ पे तो यहाँ पे जरूर आइए, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है मोमोस। नूडल्स भी ठीक ठाक ही थे, सूप भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। हमने फटाफट फिनिश किया, उसके बाद हम वहाँ से निकल गए। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बाहर रेस्टोरेंट के। ये देखिए बाहर से अच्छी दिख रही है, बाहर का नजर देखिए कितना अच्छा है।
इतने अच्छे से सजाया है इन्होंने रेस्टोरेंट को। ये देखिए ये एकदम रास्ते के पास ही है, हम लोगों ने दो एक फोटो भी खींचा बाहर, अच्छे लग रहे थे। अभी देखिए यहाँ पे लिखे हुए बोर्ड में आई एम मोमो लंच एंड डिनर अवेलेबल हियर। गाइस आपको रास्ते के पास ही मिल जाएगी ये बोट। ये देखिए अभी हम यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखिए चारों तरफ दिखा रही हूँ आप लोगों में। अभी हम निकल गए, मैं आज अपनी स्कूटी नहीं लाई थी तो फ्रेंड की स्कूटी में पीछे बैठ गई। ये देखिए हम डेकोर लेन के पास पहुंच गए हैं। डेकोर लेन भी है, ये भी हाई रोड के सामने ही है, पास ही है मतलब हाई रोड के। तो ओके गाइस आज का वीडियो कैसा लगा आपको, ब्लॉग कैसा लगा आज का आप लोगों को, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और चैनल में अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस। बाद में आप लोग कैसे कैसे वीडियो मतलब देखना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बोलिए। ओके गाइस बी सेफ, बाय बाय, टेक केयर।